वैसे नहीं आपका जो भी मन किया सोचने का सोच लिया, नहीं रोकना पड़ेगा, सेक्स करते रहोगे कमज़ोर हो जाओगे। सोना है ऐसे वेग आते रहते हैं, सेक्स कर ले वो पागल हो जाएगा, तो जब तक वो सेक्स नहीं करेगा वो पागल हो जाएगा। तो इंद्रिय निग्रहण की आवश्यकता क्या है, ये हमसे कई लोग पूछते रहते हैं, मगर मैं अपने मन में सोचता हूँ भाई इसको ये भी पता है इंद्रिय निग्रहण क्या होता है। आजकल लोगों को पता ही नहीं इंद्रिय निग्रहण क्या होता है। मैंने एक यूथ से ट्रेन में जा रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें पता है इंद्रिय निग्रहण, मैं उसको लेक्चर दे रहा था तो कोई इंद्रिय निग्रहण करना चाहिए, सेंस कंट्रोल, इंद्रिय निग्रहण इंग्लिश में सेंस कंट्रोल करना चाहिए, पूरा लेक्चर हो गया। तो मैंने उसको बताया कैसे करना है, फिर एंड में पूछता है वो, प्रभु जी ये इंद्रिय निग्रहण किस अंकल का नाम है? मैंने सर पीट लिया। आजकल कुछ आइडिया नहीं ना, सेंस कंट्रोल तपस्या इसका कोई मतलब ही नहीं है, कि पढ़ा ही नहीं रहा यूनिवर्सिटी में, कोई स्कूलों में नहीं पढ़ा रहा, गीता में ही आती हैं बातें। तो इंद्रिय निग्रहण क्या है, इंद्रिय निग्रहण की आवश्यकता क्या है, ये हम बाद में बात करेंगे। इंद्रिय निग्रहण होता क्या है पहले मैं आपको बता दूँ। वेल इंद्रिय निग्रहण क्या होता है, आप देखो हम सबको भूख लगती है, हम सबको प्यास लगती है, हम सबको नींद आती है, हमारा मन करता है कोई अच्छी चीज़ में खाने का, है नहीं, और हमारे मन में विचार भी आते रहते हैं। तो इंद्रिय निग्रहण क्या होता है, तो इन चीज़ों को वेग कहते हैं, अंदर से वेग आते हैं, वेग आते हैं, मन करता है बस कुछ खा लूँ, तो हम सोचते नहीं, हम फ्रिज खोलते हैं कुछ खा लेते हैं, मन करता है सो जाए सो जाते हैं, ऐसे ही है ना हम लोग, तो हमारी इसको कहते हैं वेग, अंदर से वेग को कैसे कहेंगे इंग्लिश में, अर्जिस कहते हैं वैसे। तो और फिर उसके बाद कभी तो कभी कुछ बोलने का मन करता है बोल देते हैं, मीठा खाने का मन करता है अरे खा लिया, इन चीज़ों को वेग कहते हैं। तो इंद्रिय निग्रह या मन में कोई विचार आया तो बस सोच लिया। तो शास्त्र कह रहे हैं कि हमारे हमारे शरीर में 6 तरह के वेग होते हैं, 6 तरह की अर्जेज आती हैं, 6 तरह का कुछ कुछ होता है ये समझ लो। तो क्या है, रूपा गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा उपदेश अमृत, उसका पहला श्लोक शास्त्रों में ये भरा पड़ा है, कौन सा क्या श्लोक है, वाचो वेगम मन सक्रोध वेगम जीव वेगम उद्रपत्स वेगम। 6 वेग आते हैं हमारे अंदर बैठे बैठाए अपने आप से। तो क्या है, वाचो वेगम, बोलने का मन करता है, हम ये बोल रहे हैं बोलने, तो बोलने का मन करे, वाचो वेगम मन सा सोचने का मन करता रहता है, कुछ ना कुछ उल्टे फुलटे विचार भी आते रहते हैं, हम चाहते नहीं फिर भी आते हैं। क्रोध करने का मन करता है, लोग कहते हैं ना प्रभु जी क्रोध मनाते हैं कैसे रोकें, कैसे रोकें, वो पॉइंट है, रोकना अभी मैं बताऊँगा। और फिर जीवा वेगम टेस्ट लेने का मन करता है, उद्रपत्सा वेगम खाने का मन करता है भूख भूख, और उदरा उपस्थ वेगम और जेनाइटल्स का वेग, जनेन्द्रियों का वेग, सेक्स करने का मन करता है। तो ये सब अपने आप आता है अंदर से, मगर प्रश्न ये आता है, जैसे क्रोध आता है तो क्या बोलते हैं प्रभु जी रोके कैसे, इन वेगों को रोकना मतलब होता है इंद्रिय निग्रहण। इन 6 वेगों को जब हम रोकने की कोशिश करते हैं उसको बोलते हैं सेंस कंट्रोल, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जैसे घोड़ा पागल हो जाए तो लगाम लगाते हैं ना, ऐसे भाई कुछ ना कुछ थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए, उसको इंद्रिय निग्रहण कहते हैं या सेंस कंट्रोल कहते हैं या सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। तो एक एक लाइन में इंद्रिय निग्रहण का मतलब अपने वेगों को रोकने का प्रयास करना, पूरी तरह नहीं मगर एक एक लिमिट तक होना चाहिए, एक एक नियंत्रण में होने चाहिए वेग। वैसे नहीं आपका जो भी मन किया सोचने का सोच लिया, नहीं रोकना पड़ेगा, क्रोध आ रहा है रोकना पड़ेगा वो तो मन ही करता है, भूख लग रही है हर टाइम भूख लग रही है, खाओगे आप तो अच्छा थोड़ा ना है, वो भी रोकना पड़ेगा आपको, है नहीं। तो इसलिए लोग अपने लाइफ को डिसिप्लिन बनाते हैं कि भी उल्टे फुलटे टाइम पे हम खाना इस टाइम खाएंगे, बीच में भूख लगेगी हम रोक लेंगे, इसको कहते हैं इंद्रिय निग्रहण। ओके, अब इंद्रिय निग्रहण का फ़ायदा क्या है हमारी लाइफ में, तो सबको फ़ायदा इंद्रिय निग्रहण का। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है, एनीवे इसको करने से पहले ना, इंद्रिय निग्रहण को करने से पहले मतलब लोग ये पूछते हैं यार इंद्रिय निग्रहण के बिना भी तो जीवन चल रहा है क्या प्रॉब्लम है,
हमारी वाइफ है, बच्चे हैं और हमारा जॉब है, हम घूमने जाते हैं, मस्ती कर रहे हैं, ये इंद्रिय निग्रहण करना ही क्यों है? ये क्या है ये सब रोकना वोकना, अपनी भूख को, अपने प्यास को थोड़ा बहुत, और जो भी सोच रहे हैं उसको रोकते रहो। सेक्स करने का मन कर रहा है, क्यों रोकें? कर लेंगे दबा के, मसा ही तो आएगा। तो वो क्वेश्चन है ना कि उनको लगता है कि करना ही क्यों है, जीवन चल तो रही है। बट इंद्रिय निग्रह नहीं करेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है, जैसे मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी चलती जा रही है, अब गाड़ी चला रहे हो, चलाते जा रहे हो पूरी फुल स्पीड पे, और रोका नहीं बीच में गाड़ी को, तो गाड़ी भूखने लगेगी, धुआं निकलने लगेगा। तो अगर आपकी इच्छाएं आती रहेंगी, सारे वेग आते रहेंगे, और आप करते रहोगे, तो आपकी शरीर की गाड़ी फूक जाएगी, टेंशन आएगा, स्ट्रेस आएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे। आपका मन क्या शराब पीते जा रहे हो, एडिक्शन हो जाएगी। सो इंद्रिय निग्रहण के फायदे हैं, पहला फायदा ये है, वो इंद्रिय निग्रहण के फायदे समझ के आपको समझ आ जाएगा क्यों करना है। पहला फायदा ये है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर आप इंद्रिय निग्रहण नहीं करोगे तो सिगरेट फूकते रहोगे, शराब फूकते पीते रहोगे, बीमार हो जाओगे। जब भी मन आए सोने का सो गए, गलत टाइम पे सो गए तो शास्त्रों में लिखा है उससे मेमोरी कम होती है। दिन में दो घंटे से ज़्यादा सोने से, या दो घंटे क्या मतलब, दिन में एक घंटे ज़्यादा सोने से मेमोरी कम हो जाती है। हेल्थ गलत टाइम पे दिन में सोने से हेल्थ ख़राब होती है। 12 बजे सो जाओगे, आपकी बॉडी का पित्त बढ़ जाएगा, स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, फुंसियाँ हो जाएंगी, शुगर, हाइपरटेंशन हो जाएगी आपको, है ना। और रात को नहीं सोएंगे तो फिर और प्रॉब्लम, तो हेल्थ ख़राब होगी। खाते रहोगे मोटे हो जाओगे, ओबेसिटी हो जाएगी, थुलथुले बन जाओगे, मोटे हो गए तो और उसकी अपनी प्रॉब्लम्स। ओबेसिटी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बाहर के देशों में। सेक्स करते रहोगे कमज़ोर हो जाओगे, वी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, जो सबको ही पता है। गंदी हैबिट पड़ जाएगी पोर्नोग्राफी की। सो ये बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए सेल्फ कंट्रोल करना तो बहुत ज़रूरी है। पहला फ़ायदा ये सेल्फ कंट्रोल का। दूसरा फायदा सेल्फ कंट्रोल का, कृष्णा गीता में बता रहे हैं, सेकेंड चैप्टर 64th वर्स खोल के देख लेना आप। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषय इंद्रिय चरण आत्मवशैर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। आत्मवशैर विधेय आत्मा, ये जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण कह रहे हैं आत्मवशैर, वश मतलब कंट्रोल, आत्म मतलब सेल्फ कंट्रोल करो, सेंस कंट्रोल करो। क्यों? विधेय आत्मा, विधेय मतलब होता है गोल। कुछ भी गोल को प्राप्त करने के लिए आदमी को सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए। अब चलो अगर आप डिवोटी भी नहीं हो, सक्सेस पाने के लिए, अपना एम पाने के लिए, कुछ भी पाने के लिए सेंस कंट्रोल चाहिए। वरना अपनी इच्छाएं पूरी करते रहोगे, मन डिस्टर्ब ही रहेगा, फोकस नहीं होगा सब्जेक्ट पे। तभी तो स्टूडेंट लाइफ में डिसिप्लिन होता है, क्लासें होती हैं, कॉलेज जाना पड़ता है, कॉलेज में क्लास टाइम पे क्लास के बीच में थोड़े ना उठा के आप पिज़्ज़ा खाते रहोगे, नहीं खा सकते, लंच में ही खाओगे। इसलिए स्टूडेंट की लाइफ में, इसलिए शास्त्रों में लिखा है स्टूडेंट लाइफ में सेंस कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, वरना विद्या नहीं आएगी। बिना सेंस कंट्रोल के विद्या नहीं आती। तो सारे कॉलेज, सारे हॉस्टल में डिसिप्लिन होता है, सेंस कंट्रोल होता है, नहीं होता ही है। स्टूडेंट लाइफ में अलाउड नहीं होता हॉस्टल में शराब पीना, सिगरेट फूकना, लड़कीबाजी करना अलाउड नहीं होता, फाइन होते हैं। एटलीस्ट इंडिया में तो होता ही है, बाहर भी होता है वैसे तो। सो सेंस कंट्रोल चाहिए, फ्रीडम। तो पॉइंट ये है, सेंस कंट्रोल करने से व्यक्ति फ्री होता है, ये पॉइंट है दूसरा फायदा। अगर सेंस कंट्रोल नहीं करोगे तो आपकी भूख, प्यास, नींद भी ना वो खींचती रहेगी इधर उधर, और आप फ्री नहीं हो, ये सारी जो वेग है आपको जकड़ लेगा, और आप जो करना चाहोगे कर नहीं पाओगे। आप पढ़ना चाहोगे नींद आ जाएगी, फिर पढ़ोगे भूख लगने लगेगी। तो आपको पैसे कमाने हैं तो सोचते प्लान ही नहीं बना पाओगे, सोचते रहोगे, कुछ ना कुछ चलता रहेगा लाइफ मन। तो ये फ्रीडम दूसरा फायदा सेंस कंट्रोल का, कंट्रोल करने से फ्रीडम आती है। तभी प्रभुपाद ने गीता में लिखा है 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। और इसका सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं। जैसे पतंग, नहीं पतंग तो सबने उड़ाई 15 अगस्त पे, क्यों सबने उड़ाई है? पतंग पतंग वाले पतंग दे दो,
फिर उसे वो खरीदते, मंजा खरीदते हैं, मंजा लेते हैं, फिर उड़ाते हैं। अब देखो, अब जितना मंजे पे कंट्रोल होगा आपका, उतनी पतंग ऊपर उड़ेगी, देखना। अब मंजे पे कंट्रोल नहीं है, पतंग पे कंट्रोल नहीं है, तो वह नहीं उड़ती। जितना कंट्रोल होगा उतने ऊपर उड़ा सकते हो, उतने इधर उधर उड़ा सकते हो, उतने दूसरों के पतंग काट सकते हो, और फ्री होगा ना आप कंट्रोल से। जितना कंट्रोल होगा सेंसेस पे, इंद्रियों पे, उतना ही आप फ्री होगे, जो भी करना चाहो कर सकते हो। और भक्ति में तो बहुत ज़रूरी है, हमें भगवान को प्राप्त करना है, तो पूरा कंट्रोल चाहिए हमें अपने आप पर, क्योंकि भगवान सबसे बड़ा गोल है। ओके, तीसरा फायदा है सेंस कंट्रोल का, कि मन शांत हो जाता है। भाई अंदर के वेग आ रहे हैं, परेशान ही रहता है। बाहर से तो लोग बड़े सुंदर लगते हैं, हरे कृष्ण कह रहे हैं, जो नॉन डिवोटीज हैं, थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी, ये वो, तो अंदर से इच्छाएं आती रहती हैं, वासनाएं, वेग आते रहते हैं, अभी खा ले तू, सोचने का माइंड में विचार आते रहते हैं, बकवास है वो, बकवास है, सोना है, ऐसे वेग आते रहते हैं, सेक्स कर ले, वो पागल हो जाएगा। तो जब तक वो सेक्स नहीं करेगा वो पागल हो जाएगा, मन में आएगा समोसा खाना, जब तक समोसा नहीं खा लेगा पागल हो जाएगा वो। गुलाब जामुन खाना है, डायबिटीज़ है, फिर भी जब तक गुलाब जामुन मुंह में नहीं डालेगा तब पागल हो जाएगा। अब कंट्रोल ही नहीं है, तो आदमी अंदर से अशांत रहता है, बाहर से खुश और मस्तीबाजी ज़रूर करता रहता है, मन में अशांति रहती है। शांति और मस्तीबाजी में और फलक है। तो इंद्रिय निग्रहण करने से मन शांत होता है, शांत मन से संतुष्टि आती है, संतुष्टि से सुख आता है। तो सुख और मौज मस्ती में बहुत अंतर है। सुखी व्यक्ति, कृष्णा कह रहे हैं गीता में, सुखी व्यक्ति अंदर से शांत होता है, मौज मस्ती करने वाला व्यक्ति अंदर से परेशान होता है। सो ये तीन फायदे हैं इंद्रिय निग्रहण करने के, भक्तों के लिए भी, और जो भक्त नहीं उनके लिए भी, सभी के लिए भगवान गीता में कह रहे हैं, उससे फायदा ही फायदा है। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की।